हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि किसी फ्रैक्शन नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, यानी एक फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से। हम आपको ये कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4। अब देखिए, यहाँ पर होल नंबर है 2 और फ्रैक्शन नंबर है 1 अपॉन 4। तो इसको आप दो तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, पहला मेथड तो ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ देखिए, 2 के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब 2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ये आप लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 इंटू 1 करेंगे, इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बंदा 2 आ गया। और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये अभी और भी आगे सॉल्व हो सकता है। कैसे, देखिए 2 वन द 2 एंड 2 टू द 4, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 2 वन द 2 आया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4 4 आया। और क्योंकि अभी ये और भी सॉल्व हो सकता था तो इसको आगे भी हमने सॉल्व किया, 2 वन द 2 ये कट गया एंड 2 टू द 4, यानी ये दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते थे, 2 से कट गए, तो हमें फाइनल आंसर मिला 1 अपॉन 2। इसके अलावा एक तरीका ये भी रहता है स्टूडेंट्स कि यहां पर आप देखिए चेक कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में 2 है और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4। देखिए, 4 और 2 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। आप यहां पर डायरेक्ट भी इनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 वन द 2 एंड 2 टू द 4। अब ये 4 इस 2 से कट गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब देखिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वन द 2, हम फिर आपको बता देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे यहां 1 आ जाएगा और 1 इंटू 2 करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। इन दोनों मेथड में छोटा सा डिफरेंस ये रहा स्टूडेंट्स कि यहां पर पहले हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए। यहां हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, जैसे 2 वन द 2, 2 टू द 4, उसके बाद हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 1 1 आ गया और 1 इंटू 2 2 आ गया। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने होल नंबर लिया है 3 और फ्रैक्शन नंबर लिया स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। अब यहां पर भी देखिए सेम कंसेप्ट यूज किया जाएगा कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 3 इंटू 1, ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 वन दा 3 आ गया और ये डिनोमिनेटर इसके नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 वन दा 2 आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 का हमारे पास आंसर आ गया 3 अपॉन 2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर होल नंबर हमने लिया 5 और फ्रैक्शन नंबर लिया 3 अपॉन 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 यहाँ 15 आ जाएगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है तो 2 वन दा यहाँ पे 2 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 अपॉन 2। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर हमने होल नंबर लिया है स्टूडेंट्स 4 और उसको मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन नंबर 1 अपॉन 16 से। तो पहले तो हमने इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 वंदा यहाँ 4 आ गया और इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नीचे 1 है तो 16 इंटू 1 यहाँ 16 आ गया। अभी ये और भी आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 16 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, ये दोनों आपस में सोल्व किए जा सकते हैं। देखिये, 4 वंदा 4 एंड 4 4 द 16, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1 अपॉन 4। अब यहां पर हमने यही क्वेश्चन आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखाया है। यहां पर हमने क्या किया था, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको सिंप्लीफाई किया। ये जो सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं इसमें हम सिंप्लीफाई पहले ही कर लेते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि ये 16 इस 4 से कट सकता है, 4 वन द 4 एंड 4 4 द 16। अब देखिए, सिंप्लीफाई पहले कर लिया, अब ये जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ये हम बाद में करेंगे। अब देखिए, 1 इंटू 1 करेंगे,
वन इंटू वन, तो यहाँ वन आ जाएगा और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में फोर है और इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो फोर इंटू वन करेंगे तो फोर आ जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया। यहां पहले सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आता है। तो आप जो मेथड चाहे उसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। कभी भी आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए आ जाए तो समझ जाइएगा कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी आपको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3/7। हमें यहाँ पर होल नंबर 2 और फ्रैक्शन नंबर 3/7 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। 2 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1, तो इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 करेंगे, 7 आ जाएगा। तो जब हमने 2 और 3/7 का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमें मिला 6/7। अगर ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता तो हम इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर देते। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 3/8। हमें 6 और 3/8 का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/8। फिर हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना मिला, 18, और अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ 8 है और 6 के नीचे क्या है, 1, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। अब ये आगे सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। देखिए ये दोनों ही नंबर्स 18 और 8 2 की टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम 2 से इनको सोल्व कर सकते हैं, 2 4 द 8 एंड 2 9 द 18। तो हमें 6 और 3/8 का जो फाइनल आंसर मिला वो है 9/4। अब इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हमने क्या किया, पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको सिंप्लीफाई किया। यहां पर हम सिंप्लीफाई पहले ही कर देंगे और उसके बाद हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हम कैसे करेंगे, हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 3/8। अब देखिए 6 और 8 ये एक दूसरे के साथ कट सकते हैं, ये एक ही टेबल में आते हैं, किसमें, 2 की टेबल में। तो यहां हम सोल्व करते हैं, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8। तो आपको ऐसा नंबर देखना होता है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर दोनों नंबर्स को सोल्व कर सके, न्यूमरेटर वाले को भी और डिनोमिनेटर वाले को भी। तो यहाँ पर वो नंबर था 2, तो 2 3 द 6 यहाँ से 3 आया और 2 4 द 8 यहाँ पे 4 बचा। अब देखिए हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, अब इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 9 आ जाएगा। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस डिनोमिनेटर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर यहाँ भी 9/4 आ रहा है, यहां पर भी 9/4 ही आ रहा है। तो जो मेथड आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि आपको 1/2 of 10 निकालना है, 3/5 of 100 निकालना है, कभी भी ऐसे ऑफ वर्ड यूज हो तो आप उसको समझ जाइएगा कि वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। हम आपको ये एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा 1/2 of 1, हमें 1/2 पार्ट निकालना है, किसका, 1 का, इसका मतलब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक होल नंबर को हम फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 पार्ट निकालना है 1 का। तो यहाँ क्योंकि ये इस तरीके से वर्डिंग यूज हुई है कि 1/2 of 1, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ये 1/2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर 1 से, अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे, 1 आ जाएगा। अपॉन में देखिए यहाँ 2 है और इसके नीचे 1 है, 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/2 of 1 का जो आंसर है वो 1/2 आ गया है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमसे कहा गया 1/2 of 2 निकालना है, तो यहां पर हम ये 1/2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। अब यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक तो ऐसे कि पहले ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो सकता है, 2 1 द 2 2 1 द 2। अब इसके न्यूमरेटर में क्या है, यहां भी 1
यहां भी वन, तो वन इंटू वन करेंगे तो यहां वन आएगा, और अपॉन में क्या है, यहां पर वन है, इसके नीचे भी वन है, वन इंटू वन करेंगे तब भी वन ही आएगा, तो वन अपॉन वन का मतलब वन होता है। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर वन आ गया। दूसरा तरीका यहां पर इसका ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने लिखा वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में यहाँ टू है यहाँ वन है, टू वन दा यहाँ पर टू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ टू है और इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए टू वन दा अपॉन में भी टू आ जाएगा। अब पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया अब उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए टू वन दा टू एंड टू वन दा टू, ये टू भी वन से कटा, ये टू भी वन से कटा, तो वन अपॉन वन का क्या मतलब होता है, वन ही तो होता है। तो आप पहले सिंप्लीफाई करें, बाद में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तब भी वन ही आंसर आ रहा है यहाँ पर, या पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें उसके बाद जो आंसर आता है उसको सिंप्लीफाई करें तब भी आंसर वन ही आ रहा है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां हमने लिखा वन अपॉन फाइव ऑफ 20, हमें वन अपॉन फाइव ऑफ 20 निकालना है, इसका मतलब हम वन अपॉन फाइव और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से आपको समझाएंगे। पहला मेथड देखिए, वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाय 20 किया और इसको डायरेक्ट पहले सोल्व कर लिया। देखिए 20 फाइव से डिवाइड हो सकता है, फाइव वन द फाइव एंड फाइव फोर द 20। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, इधर से 4 बचा, इधर से 1 बचा है ऊपर, तो 4 वन दा 4 आ गया, और डिनोमिनेटर में यहां 1 है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब यहां भी 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो इसके नीचे 1 आएगा, 4 अपॉन 1 का मतलब 4 ही होता है। तो यहां हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। दूसरा मेथड ये कहता है कि आप वन अपॉन फाइव इंटू 20 लिख लीजिए, उसके बाद पहले आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 वन दा 20 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है, यहाँ 5 है और इसके नीचे 1 है, तो 5 वन दा 5 आ जाएगा। अब पहले हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया अब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 20 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 वन दा 5 एंड 5 फोर दा 20, यहां पर आ गया 4 अपॉन 1, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4 ही होता है। तो दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर तो स्टूडेंट्स 4 ही आया। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।